हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं आपका दोस्त सोमनाथ वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास जीतो व्हीकल है, जो कि पुराना मॉडल 2019 का 18-19 का अगर मॉडल है उनके लिए भी, और जिनके पास अभी भी लेटेस्ट आपने अगर जीतो ली है तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ये व्लॉग स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज मैं अपने जीतो का काम करवाने जा रहा हूँ, जो कि वो काम ऐसा है जो कि आपको मैं वीडियो में देखने को मिलेगा कि काम क्या है, और आपको वो करना पड़ेगा। एक टाइम आप पे भी आएगा जो करना पड़ेगा, और जो मैंने गलती करी ना वो आप ना करें, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए, ताकि अगर आपके पास जीतो गाड़ी है तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाए कि आपके साथ भी ये हो सकता है, और उसको आप करवाना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली देखो, अभी मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ ना, अभी आपको आवाज नहीं आ रही होगी, बट मेरे को आवाज आ रही है, और किस चीज की आवाज आ रही है ना आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। लगभग अभी खर्चा भी मैं बोल नहीं सकता, एस्टिमेट अभी गैरेज में जाने के बाद ही देखने को मिलेगा कि खर्चा कितना आता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कंपनी जो अपना ऑथोराइज सर्विस सेंटर है उसमें काम नहीं करवा था, क्योंकि मेरे को बहुत ही बैड रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए मैं उधर काम नहीं करवा था। उसके बहुत सारे रीजन है, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपने नियरेस्ट एक महिंद्रा का गैरेज है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और मैं उनका एड्रेस भी आपको नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी मेरे मेरे लोकेशन के पार्टनर से वो चाहे तो एड्रेस पे जाके अपनी गाड़ी का अगर इमरजेंसी में कुछ काम आए तो वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम पास के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बोला था, जो कि आपने देखा था एक जीतो कि मैंने अपने गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट चेंज करवाया था, तब मैंने एक ब्लॉग बनवाया था। तो गाइज, उसमें मैंने बताया था कि आपको वाटर पंप का भी काम करवाना है, तो मैंने तभी मैंने अपने वाटर पंप का काम करवा के लिया था। और अभी मेरी जीतो का रीडिंग हो रहा है किलोमीटर का 99,200, बोले तो अभी थोड़े दिन में 1,00,000 किलोमीटर मेरा डम हो जाएगा, बट मैंने ऐसा कोई भी मेजर काम इंजन का करवाया नहीं है। और गाइस, दूसरी एक चीज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाना बताने वाला हूँ कि बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि जीतो का सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे बंद करना चाहिए, ऑयल कितने किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। और इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि जो जो मेजर इश्यूज है ना जीतो के बारे में, वो सारे बताने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक जरूर वीडियो देखिए, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर होगा जो आपके काम आने वाला है इन फ्यूचर। तो गाइस, बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। फाइनली अभी देखो, ये लोकेशन है इंडियन ऑयल के बाजू में, मांझरी रोड पे ये गैरेज है। तो फाइनली मैं अभी गैरेज के रोड पे पहुंच चुका, थोड़ा रास्ता खराब है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी फिलहाल आज अपना दूसरा जो गाड़ी है ना जीतो, ये जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, वो भी अपना इधर ही है, उसका भी काम चल रहा है। अभी गर्दी कौड़ी कम है तो अपना काम जल्दी हो जाएगा शायद। तो दोस्तों, अपनी फाइनली गाड़ी रैंप पे ले चुके हैं, और अभी जो फिटर साहब जो खोल रहे हैं ना अपना राइट साइड का एक्सल है, तो अपना काम था राइट साइड का एक्सल का, जो कि राइट साइड के एक्सल में एक कनेक्टिंग रहता है जो इंजन से कनेक्ट, वही हो चुका है ख़राब। तो देख लीजिए, पूरा इंजन के अंदर से एक्सल निकल दिया है, तो इधर से प्रॉब्लम था, इधर पे आवाज़ मार रहा था बहुत। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो अपना एक्सल है, इसको ये जो ये सब पार्ट है ना, ये पूरी तरीके से अंदर खराब हो चुका है। अंदर में इसमें ग्रीस रहता है, तो पूरा ग्रीस लीक मार चुका था। अगर आपके गाड़ी का अगर इधर पे ग्रीस लीकेज मार रहा है तो तुरंत ही काम करवा लीजिए। मैंने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया, फिर ऐसे रहेगा कि फिर काम बढ़ गया। तो अभी खोलने का काम चालू है। तब ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा ग्रीस में लथपथ रहता है अंदर में, इसके आजू बाजू में पूरा ग्रीस चाहिए। अगर ग्रीस खत्म हो जाता है तो फिर ये पूरा पार्ट, ये जो दिख रहा है तीन बॉल्स, ये बेयरिंग्स है, ये खराब हो जाती है। तो मेरी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, ये दूसरा रॉड है। सो फाइनल दोस्तों, अपनी गाड़ी का पूरा काम हो चुका है। तो गाइज, मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था गाड़ी का काम मेजर, मतलब गलती तो मेरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, जीतो का ऐसे तो कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी को नहीं आता है, किसी को मेजर प्रॉब्लम आता है, बट मेरे को जब से गाड़ी ली, मेरी 99,000 किलोमीटर गाड़ी हुई है, बट मेरे को अभी तक गाड़ी का मेजर इंजन का कुछ काम नहीं। बट आज जो काम करने को मैं जा रहा था दोस्तों, वो काम था सिर्फ राइट साइड का जो एक्सल रहता ना दोस्तों, बस वो एक्सल का काम था, क्योंकि एक साइड का जो इंजन में जो अटैचमेंट रहती है एक्सल की, तो उसका पूरी तरीके से काम हो चुका था, उसमें से ग्रीस खत्म हो गया था, और उसके बाद उसके जो बॉल रहते थ्री बॉल्स वो खत्म हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो फिटिंग। बट दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जो पहले बोला था व्लॉग में कि मैं
बाहर काम क्यों कर रहा था, मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम क्यों नहीं कर रहा था, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। अभी मैंने जो काम किया ना दोस्तों, अगर मैं सर्विस सेंटर में करवाता तो मेरा था 5,500 रुपए का काम, और 5,500 रुपए का काम मेरा हो चुका है सिर्फ 2,200 रुपए में। मेरा काम सिर्फ 2,200 रुपए में डन हो चुका है। उसके ऊपर में काम मैं आपको बोलता हूँ काम क्या क्या करवाया है, एक्स्ट्रा भी एडिशनल भी काम करवाया मैंने। गाड़ी एक्सल का काम तो करवाया है मैंने, हालांकि पूरा एक्सल नहीं चेंज करवाया। अगर मैं सर्विस सेंटर में काम कर रहा था तो वो गैरेज वाले सर्विस सेंटर वाले मुझे पूरा एक्सल चेंज करवाने को बोलते थे, बट मैंने एक्सल चेंज नहीं करवाया। मैंने सिर्फ एक्सल का जो एक साइड का नोजल था वो चेंज करवाया, उसके अंदर का बेरिंग बॉल गया हुआ था तो वो दूसरा मैंने पिटाया, उसको मेरे को सिर्फ 2,000 रुपए खर्चा लगा। और बाकी मैंने कूलेंट डाला गाड़ी में, कूलेंट की लेवल कम हो गई थी तो मैं, हालांकि मैं वाटर से पानी से टॉपअप करता नहीं हूँ। पानी क्या होता है दोस्तों, इंजन की गर्मी के कारण वेपराइज जल्दी हो जाता है, बट कूलेंट की जो कैपेसिटी रहती है जल्दी कूलेंट में खत्म होता नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा कूलेंट ही यूज करता हूँ। और दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा काम जो था लगभग 5,500 का काम था, बट वो हो चुका है सिर्फ 2,000 में। तो अपना 5,500 रुपए का काम 2,000 में होने के बाद अभी मैं जस्ट निकला हूँ। सबसे जरूरी बात मैं जो बताने वाला था कि मेरे को बहुत भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि जीतो का सर्विसिंग कितने टाइम पे करवाते हो, या फिर बहुत सारी चीजें तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो मैं सर्विसिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग गाड़ी जैसे शोरूम से परचेस करते हैं, उसके बाद शोरूम वाले के जो टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं उसके हिसाब से हर 5,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करना पड़ता है। शुरू के जो 4 सर्विसिंग रहते हैं तो, और उसके बाद वो 4 सर्विसिंग खत्म होने के बाद वो बोलते हैं कि आप अभी 10,000 किलोमीटर पे करो। बट दोस्तों अभी मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो गाइज मैंने जब से गाड़ी ली ना, मैंने जो शुरू के 4 सर्विसिंग थी वो फ्री में करवाई, जो 5,000 किलोमीटर पे थी वो मैंने तब करवाई। बट बाद में जब मेरे को मेरी जो फ्री सर्विसिंग खत्म हो गई, गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई, उसके बाद से मैंने शोरूम में काम करवाना ही बंद कर दिया। उसका रीजन मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ, बट अभी मैं आपको बोल देता हूँ। मैंने जैसे ही काम बंद कर जो सर्विस सेंटर में जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर था उधर मैंने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद मैं जो लोकल गैरेज है उसमें मैं अभी काम करता हूँ मेरी गाड़ी का, जो कि अच्छी तरह से होता है मेरे हिसाब से होता है। उधर मेरा बिलिंग का भी बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत बड़ा चढ़ा के बिल लगाते थे, जो लेबर चार्ज था उसके ऊपर भी GST लगती थी, जो पार्ट्स थे हर पार्ट्स को अलग से GST लगाते थे, इसलिए मैंने उधर काम करवाना ही बंद कर दिया। नॉर्मल सर्विस सेंटर जो फ्री सर्विस मैं उनके पास करता था ना दोस्तों, वो फ्री सर्विस का भी पैसा लगभग मेरा बिल हो जाता था 3,000 से 4,000 रुपए का, नॉर्मल सर्विस का बिल होता था। एक बार मैंने फिर जो फ्री सर्विसिंग खत्म हो गया उसके बाद मैंने जो सर्विसिंग करी तो तब भी मेरा बिल लगभग 4,500-5,000 रुपए आने लगा। तो गाइस नॉर्मल सर्विस जो ऑयल चेंज वगैरह करते वही सर्विसिंग, बाकी मेजर कुछ भी नहीं करवाता था मैं। उसके बाद मैंने ठान लिया कि भाई ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम करवाना ही नहीं है, तब से मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम करवाता नहीं, क्योंकि मेरे को उधर आपको परवर्टेबल है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप वो मैंने जैसे उधर से बंद किया ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम करवाना, तो आपको बता देता हूँ कि किलोमीटर पे कितने किलोमीटर पे सर्विसिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास जीतो है BS4 मॉडल हो या फिर BS6 मॉडल हो, अगर आपको सर्विस सेंटर वाले भी बोले कि आप 10,000 किलोमीटर पे करवा लो, बट दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको 5,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग कराओ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि अपना जीतो का सिंगल पिस्टन इंजन है, सिंगल पिस्टन इंजन में, और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ कि गाड़ी में सिर्फ 1.25 लीटर तक ही ऑयल बैठता है, 1.25 लीटर से लेकर 2 लीटर के बीच में ऑयल बैठता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। तो मेरा एक ही मानना है, अगर इतना कम ऑयल आपको डालना है ना तो 5,000 किलोमीटर पे आप आराम से सर्विसिंग करवा लो, चाहिए तो फिर आप एयर फिल्टर अल्टरनेटिव सर्विसिंग के बदलो, नहीं तो रेगुलर एयर फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं अगर आप किसी सिटी में काम करते हो कम धूल वाली जगह पर। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपना गाड़ी का काम करवाता हूँ, और इसी वजह से मैं जब से गाड़ी ली ना दोस्तों तब से मैं 5,000 किलोमीटर पर मेरा सर्विसिंग करवाता ही हो, इसलिए मेरे को गाड़ी का अभी तक कुछ भी मेजर काम नहीं है। अभी हालांकि मेरा गाड़ी का 99,000 किलोमीटर होने को है, अभी हो चुका है, अभी 1,00,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी का कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने तक मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करूँगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको अगर 5,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग करते हो तो आपकी गाड़ी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप कि गाइज मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बाजू में नोटिफिकेशन आइकॉन है, बेल नोटिफिकेशन है, उसको ऑन करके ऑल पे सेट करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।